प्रदेश शासन द्वारा बस ट्रांसपोर्टरों की मांगे मानकर 5 महीनों का टैक्स माफ करने के बाद भी शनिवार से बसों का संचालन शुरू नहीं हो सका, जिसे बेरोजगारी के मार झेल रहे ड्राइवर और परिचालकों की समस्याएं खत्म होते दिखाई नहीं दे रही हैं। पांडुना से आसपास की स्थिति, बड़े शहरों की दूरी 100 किलोमीटर के आसपास है। इस दूरी को बिना बस तय कर पाना बहुत मुश्किल काम साबित होता है। मध्य प्रदेश चालक परिवहन संघ के सदस्यों ने बताया कि ट्रांसपोर्टरों को अभी भी परिवहन शुरू करने को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं है। टीवी में और क्या बोलते पेपर में पाया है, आप देखो आगे मालूम होता है क्या बोलते, गाड़ी वालों का है तरफ से और वर्कर लोगों की तरफ से नहीं है, ड्राइवर कंडक्टर की तरफ से क्या कहना है। वो बोल रहे हैं कि भैया जब सभी चालू करेंगे तब। उसने मांग रखी है मोटर माला को प्रशासन के सामने, लेकिन इसके बाद प्रशासन को ध्यान नहीं दिया ना। 5 महीने से किसी के घर में खाने को है नहीं है, किसी का बच्चा बीमार है, ये सारी प्रॉब्लम है सर खड़ी हुई है। इसमें किसने कैसे अपना घर चलाया है वो तो वही जान सकता है। अच्छा, प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। अब मोटर मालिकों का तो टैक्स माफ हो गया, लेकिन ड्राइवरों का क्या, कंडक्टरों का क्या, इनका भी तो कोई देखने वाला हो ना सर। स्वाभाविक है सारे लोग कुछ तो हमको मदद करें। प्रशासन ने 121 करोड़ रुपए का जब मोटर मालिकों को कर्जा माफ किया तो कुछ शासन प्रशासन ड्राइवर कंडक्टरों की तरफ भी ध्यान दे। ट्रांसपोर्टरों की मनमानी के बाद अब चालक परिचालक भी अपनी जरूरतों को लेकर मुखर हो रहे हैं। इनका कहना है कि जिस तरह राज्य सरकार ने बस ट्रांसपोर्टर का 5 महीनों का टैक्स माफ कर दिया है, वैसे ही पिछले 5 महीनों से बेरोजगार होकर पाई पाई की तरस रहे चालक परिचालकों को भी सहायता राशि दे, जिससे उनकी तकलीफों का समाधान हो। मोटर मालक ड्राइवर कंडक्टरों की सहमति से ही गाड़ी चला पाएंगे। ड्राइवर कंडक्टरों की मांग रहेगी कि भाई जो आर्थिक व्यवस्था हमारी 6 महीने में खराब हुई है, तो मोटर मालक प्रशासन उसमें कुछ भरपाई करे तो गाड़ियाँ चालू हो जाएंगी। पिछले 24 मार्च से बसों का संचालन बंद है और आज अनलॉक 4 में भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए परेशान है। राज्य सरकार के साथ चल रहे ट्रांसपोर्टरों का गतिरोध समाप्त होने की खबर से एक उम्मीद जगी थी, लेकिन अब चालक परिचालक ने अपने मुद्दों को लेकर गंभीर होने से यह मामला फिर एक बार टलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या राज्य सरकार इन गरीब बेरोजगारों के लिए भी अपना खजाना खोलेगी या इन्हें इसी नुकसान को लेकर फिर से काम पर लौटना होगा।